प्रेज लॉर्ड, आज हमारे लिए मनन का विषय है संत योहन के सुसमाचार से अध्याय 6:16 से लेकर। संध्या हो जाने पर शिष्य समुद्र के तट पर आए। वे नाव पर सवार होकर कफरनहूम की ओर समुद्र पार कर रहे थे। रात हो चली थी और ईसा अब तक उनके पास नहीं आए थे। इस बीच समुद्र के लहरें उठ रही थी क्योंकि हवा जोरों से चल रही थी। कोई 3-4 मील तक नाव खेने के बाद शिष्यों ने देखा कि ईसा समुद्र पर चलते हुए नाव की ओर आगे बढ़ रहे हैं। वे डर गए, किंतु ईसा ने उनसे कहा, मैं ही हूं, डरो मत। वे उन्हें चढ़ाना चाहते ही थे कि नाव तुरंत उस किनारे जहां वे जा रहे थे लग गई। इसमें प्यारे भाई और बहनों, डर मत, इस पर मैंने पहले भी आप सबों के साथ वचनों को बांटा था, आज भी उसी के बारे में ही कहना चाहूंगा। कहा जाता है कि संत योहन का सुसमाचार और विशेष रूप से ये पाठ तकरीबन प्रभु के मृत्यु के बाद करीबन एडी 90 पर लिखा गया था, और वहां पर विशेष रूप से जो प्रभु पर विश्वास करने वाले विश्वासियों को उस समय के सिनेगॉग से बाहर निकाल दिए थे और हर जगह से उन्हें रिजेक्शन का सामना करना पड़ता था, और ऊपर से रोमी शासन द्वारा उन पर सतावट शुरू की गई थी। तो जब इन वचनों को लिखा गया, विशेष रूप से उन तमाम विश्ववासियों के लिए लिखा गया था जो एक प्रकार डरे हुए थे, सहमे हुए थे, उन्हें विश्वास बांधने के लिए शायद प्रभु संत योहन के द्वारा ये बातें हमारे साथ आज कह रहे हैं। डर मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। प्यारे भाई और बहनों, पवित्र बाइबल में, पुराने और नए विधान में, शायद आप में से काफी लोगों को इसकी जानकारी होगी, कुल 365 बार डर मत ऐसी बातें लिखी गई है। डरो मत 365। एक कैलेंडर ईयर में कितने दिन होते हैं? 365। इतने बार पवित्र बाइबल में लिखा गया है डर मत। हर दिन वो हमसे कहते हैं कि डरो मत, मैं तुम्हारे साथ। प्यारे भाई और बहनों, कलीसिया में विशेष रूप से हम लोग इस वक्त हमारे देश के परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं कि हम विश्वास के कारण सताए जा रहे एक जनता है। हम प्रभु पर विश्वास करते हैं, इसलिए नाना प्रकार के सतावट आज हमें झेलने पड़ रहे हैं। आज के वचनों के परिप्रेक्ष्य में जो पहली सदी के अंत में लिखा गया था, जब परिस्थितियां लगभग आज के जैसे थी कि ईसाइयों को सबों से तिरस्कार का सामना करना पड़ता था, रोमी शासन द्वारा उनके ऊपर गलत अभियोग लगाकर उन्हें सताने लगे थे, आज भी लगभग उसी प्रकार का परिवेश में हम जी रहे हैं। इस परिवेश में मैं आप सबों से हर दिन प्रभु का वह वचन दोहराना चाहूंगा, 365 बार लिखी गई उस बात को दोहराना चाहूंगा, डर मत, तुम्हारा ईश्वर तुम्हारे साथ है। जब वे तुम्हारे साथ है, तुम्हें डरने की कोई बात नहीं। प्यारे भाइयों और बहनों, डरे सहमे शिष्यों के सामने प्रभु वही बात दोहराते हैं, डर मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। आदिम कलीसिया के डरे सहमे विश्वासियों के साथ में प्रभु कहते हैं, डर मत,
मैं तुम्हारे साथ हूं। अगर आपके मन में शंका है, अगर आपके मन में किसी प्रकार का संदेह है, अगर आपके मन में किसी प्रकार की चिंता है, अगर आपके मन में डर है, प्रभु आपसे भी आज वही वचन दोहराते हैं कि डर मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। पूर्ण यकीन कीजिए। आमीन।